बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक होंगे। मैं साइमा ख़ान एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ एक न्यू वीडियो लेके आपको दिखाने के लिए, आपको सिखाने के लिए कि हम लोग अपने इस्त्री की सफाई जो है एक आम टैबलेट पैनाडोल या डिस्प्रिन से कर सकते हैं, और इनमें सबसे बेस्ट और बेटर कौन सी रहेगी। ये देखिए कितनी ज़्यादा बच्चों ने जला जला के जो है इस तरीके का सत्यानाश किया हुआ है, और बाज़ दफ़ा हम लोग इसे छुरी से खुरचते हैं, बाज़ दफ़ा हम लोग इसे रेग मार से खुरचते हैं, बाज़ लोग नमक पे और बाज़ लोग ज़मीन पे पीसते हैं। लेकिन डिस्प्रिन आपके सामने है, देखिए ये डिस्प्रिन जो है तन दिल के वॉल्व खोलने के साथ साथ इस तरीके की सफाई भी करेगी। तो वो किस तरीके से, आइए मैं आप लोगों को बताती हूँ, लेके चलती हूँ कि किस तरीके से हम लोग इस तरीके की सफाई करेंगे। ये देखिए आप इस तरीके ऊपर मैंने इसको माइनर सा रब करना शुरू किया है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपने पीछे से इस्त्री को गर्म कर लेना है, उसकी वायर लगा लेनी है, और जब आप इस पर डिस्प्रिन रखें तो पीछे से वायर को उतार लें ताकि आपकी जो आयरन है उसके ऊपर जब डिस्प्रिन रख के रिएक्ट हो तो ऐसा कोई सिम्टम पैदा ना हो कि आपको करंट पड़ने की इशूज़ हों। आपने इसको रब करते जाना है जब तक आपकी इस्त्री जो है वो साफ़ नहीं हो जाती। इसको जब आप इसके ऊपर रख के रब करेंगे तो आप देखिएगा कि कितना खूबसूरत नीचे से बहुत साफ सा जो है इसका सरफेस जो है वो प्रोमिनेंट होने लग जाएगा। तो हैंस प्रूफ साबित हुआ कि दिल दे वाल खोलन दे नाल नाल तुसी इस्त्री भी जड़ी है वो साफ कर सकते हो डिस्प्रिन दे नाल। तो आज से मेरा ख्याल है हम लोग नई ऐड बना लेते हैं कि डिस्प्रिन जड़ी है वो दिल दे वाल भी खोल दीजिए, प्यारा जहा फेशियल भी कर दिया हो। जो तुसी फेशियल वेखना हो डिस्प्रिन दे नाल किवें किया जाता तो तुसी प्लीज़ मेरे दूसरे चैनल ड्रीम ऑफ साइमा व्लॉग नहीं लगा हुआ अगे यही ना है उन्होंने सबसक्राइब कर लो, उत्थे जाके वेखो। वैसे मैं सिखाया से पिछले साल तो यह वेखो असी हूँ ए वाला पासा साफ करने लई वेखो और नाल वेख लवो डिस्प्रिन ही है, तो असी उत्ते रखांगे तो इनू पिघला लाँगे तो इनू नीट एंड क्लीन कर लाँगे। ए वेखो अब हम ये देखेंगे इसको पीस रहे हैं, अच्छे तरीके से पीस लें हाथ से ताकि आप इसके ऊपर ना जिस तरह हम खाने के ऊपर नमक छिड़कते हैं उस तरह आप इसको छिड़क लो ताकि अच्छे तरीके से पूरी इस तरीके गंद के ऊपर जो है वो ये स्प्रेड हो जाए। ये देखें ये मैंने इसके ऊपर डाल के स्प्रेड कर दी है ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से इसकी समझ आ सके। और इस्त्री गर्म होनी चाहिए, और लगता है बच्चों ने पीछे से वायर निकाल दी थी कि अम्मा हमारी को करंट ना पड़ जाए। और ये देखें अभी पिघली नहीं है जिसकी वजह से ये सरफेस आपको नहीं लग रही। और ये देखें फिर ये क्या हुआ कि वो मैंने जब ऊपर से कॉटन फेरी है ना तो वो सारी कॉटन में जज्ब हो गई। लेकिन ये देखिए अब मैं हम इस्त्री लगाई है, ये धुआं सा निकल रहा है। आपको चाहिए कि आप लोग मास्क लगा लो, आपको पता वैसे भी कोरोना बड़ा फैला हुआ है। तो ये देखें ये पिघल रही है, बुलबुले इसके बन रहे हैं, और ये इसके बाल दिल के साफ़ कर रही है। कहाँ कहाँ इंसानों के दिल के बाल साफ़ करती है और कहाँ ये इस्त्री के दिल के बाल साफ़ कर रही है। ठीक है ये देख इस्त्री। और वो हजरात जो अपनी बेगमात के कपड़े प्रेस करते हैं और उनसे जल जाते हैं और वो कुछ कर नहीं पाते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है एक 10 रुपये का पत्ता ले आओ तो 10 रुपये च अपनी इस्त्री चंगी तरह साफ करो, चमकती हुई बिल्कुल इंज लगे कि जिवें नवी जेज चाहिए। पता नहीं उन जेज चाहिए या वरी चाहिए, ये तो भाई आप लोगों को पता होगा कि जहेज की है वरी की है या सेल्फ रिस्पेक्ट है। बहरहाल आइए चलते हैं, ये देखिए अब इसके ऊपर दोबारा हम लोगों ने डिस्प्रिन स्प्रेड किया और वो किस तरह उबाले मार रही थी, और ये हम लोगों ने उसको नीट एंड क्लीन कर दिया है। और ये देखिए कितना खूबसूरत चेहरा उसका निकलता आ रहा है ना, जिस तरह एक वाइटनिंग फेशियल, एक जैसे एक हाइड्रा फेशियल करवाने के बाद ना बेगम का चेहरा निकल आता है। अच्छा जी डोंट माइंड जो हजरात अपनी बेगमात से प्यार करते हैं और जो जिन बेगमात को मेरी बात बुरी लग रही है, सॉरी सॉरी सॉरी। तो आइए चलते हैं अब हम लोग पैनाडोल का एक्सपेरिमेंट करते हैं कि पैनाडोल बेस्ट है या डिस्प्रिन। अब देखें ये पैनाडोल जो है ये पहले भी डाली थी हम लोगों ने, लेकिन ये इतने से सरफेस को भी जो है क्लियर नहीं कर पा रही। इसको हमने पीस के भी डाला है, इसको हम लोग टिशू के नीचे रखा हुआ है क्योंकि टिशू के साथ पकड़ा है ताकि
ये ना ना हो हमारा हाथ जल जाए। और अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोग टिशू को गीला करके उसके साथ करेंगे ताकि किसी भी तरीके से सही शायद पैनाडोल बीबी का असर हो। है तो पैनाडोल भी बड़ी तेज़, लेकिन आप ये देख लें दिल के बाल खोलने वाली डिस्प्रिन बहन जो है वो ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। उसको तो वैसे भी बेचारी को हाथ लगाओ तो टूट जाती है, और ये देखेंगे पैनाडोल कितनी हार्ड होती है। अब हम लोगों ने इसके पीसेस करके इस पर डाले हैं, लेकिन मजाल है इस ढीठ हड्डी पर असर हो ना, ये पिघली है और ना ही ये सरफेस को साफ कर रही है। मेरी एक जानने वाली है, उन्होंने मुझे बताया था, तो मैंने कहा चलें तजर्बा करती हूँ आप लोगों के साथ मिलके। अगर आप लोगों ने अपनी शादियों के लिए आ रहे हैं, सीज़न सबकी शादी होने वाली है और कोरोना की वजह से सैलून बंद है, तो खूबसूरत हेयर स्टाइल देखते हैं और प्यारी प्यारी सी कटिंग सीखती हैं, जो कुछ भी आप घर में करना चाह रहे हो, दुल्हन बनना है, शादी है, घर में ही तैयार हो जाओ, क्या करना, पार्लर में जाके कोरोना लगवा के आ जाओगे, फिर दूल्हे को हो जाएगा, दूल्हे को होगा, दूल्हे की माँ बहन सबको हो जाएगा, और फिर फायदा फिर शादी कराने का फिर कोई मज़ा नहीं आएगा। और ये देखें ये सारे आइस मेकअप भी हैं, बेस बनाने का तरीका भी है, और ये प्यारा सा फेशियल है जो आप बहुत से और भी फेशियल हैं, वजन भी कम करना होता है शादी से पहले, तो सब कुछ जो है वो मेरे ड्रीम ऑफ साइमा में मौजूद है। ये तो व्लॉगिंग का चैनल है, ये देखें प्लकिंग की भी बहुत ज़रूरत होती है, और अगर आपकी आंखें छोटी हैं तो निकी अखा व्डा किमें करना वो भी मौजूद है। तो तुम एवे को मैं ब्लॉग कट दिता थोड़ी वजह तो, ते ए मेरा ड्रीम ऑफ साइमा चैनल जरा ना इनू भी सबसक्राइब कर लो, थोड़े बड़े काम आने वाला है। आईब्रो भी डाई कर सकते हो अम्मी की, जाहिर है अम्मी ने भी तो ब्याह शरीक होना है, प्यारी सी स्टिकिंग भी कर सकते हो, घर में मेहंदी भी लगा सकते हो, यार मेहंदी की तो बहुत ही अशद जरूरत है ना शादी पे। तो मेरे अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वैक्स करनी भी सीख लें, सब कुछ ही है। तो दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।